फैमिली वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ रूटीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? तो उम्मीद करती हूँ अच्छे जा रहे होंगे। एनीवे गाइस, आज का व्लॉग जो है वो आज का दिन हम आमना राज और मरियम राज के साथ स्पेंड करेंगे, इनसे बातें करके। तो अभी जो है रिसेंटली इनके पेपर्स जो है वो खत्म हुए और इनको पर लग गए दोनों को, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। तो चले इनसे बातचीत करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। वैसे तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हीरा राज आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आओ ना जरा इधर तुम लोग। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। बोलने लगी थी तो कैसे है तुम लोग के पेपर? नहीं रिजल्ट तो जो आएगा आएगा इनका, लेकिन जो मैं इनका हाल करूंगी ना वो किसी को भी नहीं पता। अच्छी तरह हेलो स्ट्रीक नहीं भेज रही आप ना? आप ना 24 घंटे स्ट्रीक भेजती रहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हेलो पेपर कैसे हुए? तो गाइस ये जो मोमेंट है ना, ये आप लोग ने अपने पास सेव करके रिकॉर्ड करके गैलरी में लॉक लगा के इसको सेव कर लेना, कहीं पे जरा रिजल्ट आने के हम लोग वेट करेंगे। तो अल्लाह वाले मेरी बात सुनो। हाँ, अब क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो तो हमने अपनी नॉलेज के मुताबिक देने थे। हाँ, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। हाँ, बात ये है एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है। बच्चे हमारी दुआएं बच्चे हैं, हमारी दुआएं चक्कर के साथ है। ऐसा पेपर चलो ठीक है, इनके मुताबिक इनके एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत अच्छे किसे कहते हैं? अच्छे हुए हैं। इनके कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये मोमेंट सेव हो जाएगा। चलो इनके मुताबिक तो अच्छे हुए हैं। आप लोगों ने सुना कि इन दोनों ने कहा कि हमारे एग्जाम अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं अच्छे हुए हैं। तो ये रिजल्ट आने की देर है, रिजल्ट आने पे इनसे पूछेंगे कि दोनों की खबर लेंगे। और मुझे दोनों कह रही थी कि बाहर जाना बाहर जाना, किस खुशी में इनको मैं बाहर लेके जाऊँ पढ़ लगे इनको। नहीं गाइस मैं आप लोग इतनी नीचे चला गया हूं 4 महीने। चलो कोई नहीं, मैं उठा के ना लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने टेंशन नहीं याद ही नहीं रहना आपको नहीं रहेगा यार। कोई डरपोक नहीं है, कसम वाली बात है। हम अपना रोल नंबर देने को तैयार हैं, हम फेल हो जाए पास होते हैं। इनका रिजल्ट जो है ना, इनका रिजल्ट आप सबके साथ रिवील करूंगी। तो हाँ जी की जिंदगी जीने नहीं देते, अच्छी जिंदगी गुजार ली है, लेकिन हमारी जिंदगी में पता नहीं यार। देखो टेंथ में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे, अगर आप लोग बोलोगे ना कि रिजल्ट दिखाओ तो मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा दूंगा। सो गाइस अभी हीरापी का फोन मेरे पास है और अभी मैं वैसे इधर खड़ी हुई हूँ, डर लगी थी। और गाइस ये आप लोग ने हीरापी का न्यू लैपटॉप नहीं देखा होगा, मैं दिखाती हूँ अच्छे से दिखाती हूँ। नहीं लेकिन मुझे ना ये खोलना नहीं आता, पता नहीं कैसे खोलता है, हीरापी को ही पता है। और अभी वो अपने बाल स्ट्रेट कर रही है और बाकी उसका फ़ोन मेरे पास है। उसके बाजू में दर्द हो रहा है तो हम पूछते हैं उसके बाजू में क्यों दर्द हो रहा है, क्या रीज़न है। हाँ तो क्या हुआ हीरापी आपके बाजू को? एक चीज़ नोट किया मैंने, आपके भी डिम्पल पड़ते हैं। हाँ मैं यही देख रही थी, आमना तेरे पड़ते हैं, मेरे भी पड़ते हैं डिम्पल। गाइस ये बहुत बड़ी ड्रामे बात है, तब की वीडियोस बना रही है और गाइस नेचुरल ब्यूटी। सो अभी गाइस अभी हम आप लोगों को आगे वगैरह दिखाते हैं सैरी का सीन और फिर देखते हैं जो का। ओके बाय। अभी मैंने कर लिया अपने हेयर स्ट्रेट और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ। तो वो स्पेशल चीज़ ये है कि मुझे किसी अननोन पर्सन ने गिफ्ट भेजे हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि आई लव गिफ्ट्स और एक्साइटेड तो मैं हमेशा होती हूँ ऐसी चीज़ों को लेके। तो आज थोड़ी और किस्म की एक्साइटमेंट है, वो ये है कि उसकी रीजन ये है कि मुझे किसी अननोन पर्सन ने गिफ्ट भेजे हैं। तो चलिए आए देखते हैं कि उस पार्सल में क्या है। उनसे मिलती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करके। आई होप कि आप लोग भी खुश होते होंगे दूसरों की खुशियों में। तो मैं तो हमेशा खुश होती हूँ दूसरों की खुशियों में, या किसी को खुश देखे या किसी को लाइफ में सक्सेस हासिल करते हुए, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ भाई। गिफ्ट ओपन करते हैं। मरियम पहले तो मैं पहले भी बोला था मेरे बाजू में पेन है,
तो गाइस मैंने सोचा है कि आज ये व्लॉगिंग मेरी आमना और मरियम करेंगी। सो एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है। हाँ एक सेकेंड, मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है। आज कोई 15 डेज हो गए हैं कि मैंने किसी की ट्यूनिंग की थी, बंदा ही चुक दिया था, बाद में मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या चुक पड़ गई, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है। तो गिफ्ट ओपन करें। हाँ हाँ चलो चलो आओ यार गिफ्ट ओपन करें, पहले दिखा दो ना बाहर से। आओ ध्यान से, ध्यान से नीचा ले आना। अच्छा क्या गिफ्ट लाया मेरे लिए? वाओ दिखाएं। थैंक यू, इतना क्यूट, इतना क्यूट गिफ्ट। वाओ ये तो बहुत क्यूट पेन है। सबसे पहला गिफ्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि मुझे अर्शु ने क्या गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। पोड़ो बीबी ये ले। थैंक यू सो मच, इसको संभाल, मैं आपसे बाद में ले लूंगी। ओके ओके चलो जो है गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किसी अननोन पर्सन की चॉइस। तो अगर मुझे ना पसंद आना तो फिर पूछूंगी मैं। एनीवे सीजर दे दो यार मुझे, ये लो ले ली थी आपने। हाँ हाँ तो सीजर मिल गई है। अब हम जो है गिफ्ट को अनबॉक्स करते हैं। तो पहले कौन सा वाला गिफ्ट अनबॉक्स करना है? नीचे बैठ के ना करें। ईद मुबारक वाला। ईद मुबारक वाला। नीचे बैठते हैं यार, एक एक करके पहले सारे नीचे रखूं या मैं रखूं? गाइस बेचारी को चोट लग गई, नजर लग गई। ये पकड़ ज्यादा जोर के देने लगी। ओके ये कैसे पकड़ूंगी? अब ये वाला कैसे पकड़ूंगी? ये वाला बाद में पकड़ लेंगे। तो जी सबसे पहला गिफ्ट है जेन फार्म की तरफ से, तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आज भी मेरे रूम में बहुत ज्यादा गर्म पड़ने वाला है। सीजरली गाइस इसकी सेटिस्फेक्शन आमना से होती है। पहले मैं व्लॉग बनाती नहीं कहती नहीं नहीं मरियम भी ठीक बना रही थी। तो एक्चुअली और आमना वो जो जिससे जो किसी से सेटिस्फाइड नहीं होती जो खुद से सेटिस्फाइड होती है। इतनी सारी एक भी नहीं, पूरा बॉक्स, पूरा बॉक्स। तो इसमें है ओके, ये तो हमें फ्री मिला है ना, ये वाला जो है वो नाइस। तो इसमें क्या क्या है? वाओ मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको ओपन करना है ऐसे? ठीक है पहले सारे खोल लेते हैं फिर ओपन करेंगे। ओके तो ये है और इसमें अब इसको ओपन करें। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पे शलवार कमीज बहुत सूट करती है, तो फाइनली गिफ्ट ही आ गया मुझे। कैसा लग रहा है यार? कुर्ता है ये? कुर्ता नहीं, बहुत प्यारा, पहन लेना अब ये। एक्चुअली पहन लेना बस। अच्छा ठीक है ओके। तो ये कुर्ता है, ये इसके बाजू पे काम हुआ हुआ है, इसमें स्लीव है, ये इसके नेक पे काम हुआ है। नाइस ये वेलवेट में है। तो अब तो सर्दियां गुजर गई हैं, अगले साल मैं कहने लगी थी इसमें पहन लेंगे वेलवेट, अगले साल पहन लूंगी यार। इधर ले आलिया ने ये, और ये इसका ट्राउजर है। नाइस वो प्लाजो टाइप। प्लाजो मजे का। मरियम जी इसको बंद कर दिया आलिया ने। कैसा लगा हमने तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को मेरे सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बस बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं ध्यान रख रही हूँ कैमरा फोकस। ईद मुबारक। कौन सा वाला गिफ्ट? ईद मुबारक। ईद मुबारक वाला प्लीज।
गंजी भी होती है चुड़ैल, मैंने तो सुना ही आज है। सारे कह रहे हैं ईद मुबारक वाला कर ले। बाय बाय, ईद मुबारक वाला लास्ट। हाँ अभी अभी लास्ट डे। अच्छा ठीक है, वो आसिम जोफा वाला कर ले। मुझे क्या पता था किसी की सर्विस करने के बाद अपने पुर्जे हिल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस क्लिप से पहले इसने हमें 20 मिनट्स वेट करवाया और इसी कश्मकश में रही है कि कौन सा ओपन करूं। हमने इसको कहा ईद मुबारक वाला कर लो, उस पर हमारी नजर है। इसने वो नहीं किया, इसने बहस की। ईद मुबारक का एक्चुअली वो ईद मुबारक का गिफ्ट नहीं है, क्योंकि वो जिस ब्रांड का आउटफिट है ना, उन्होंने उनकी पैकेजिंग पे ईद मुबारक लिखा था। ईद मुबारक के तो अभी तोहफे आने हैं, तोहफे। लग रहा है साड़ी है। हाँ साड़ी है ना ये। हाँ प्यारी है। हे साड़ी। Yes, आसिम जोफा की फ्रॉक भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ना गंजी चुड़ैल के लिए एक्चुअली ना काफी लोग जो आसिम जोफा से ड्रेस बाय करते हैं, तो मैं तो शलवार कमीज पहनती नहीं हूँ, तो गिफ्ट ही आते हैं। हाँ ना खोल ना फिर, अगर अनस्टिच है तो मरियम सो गई, गंजी चुड़ैल के साथ सो गई। तुम बकवास थी तो। ओके इसको जो है ना मैं आपको स्टिच करवा के तो फिर दिखाऊंगी। गाइस सदियां भी जा नहीं, ये ब्लॉग आप भूल जाइएगा ठीक है, बस ये इतना देख ले। ये तो सिलनी नहीं है पहली बार, सिल गई तो पहनी नहीं जानी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये भी अनस्टिच होगा यार, ये क्या बात है यार। आप इनको फक जाते हैं यार, इतने एक्सपेंसिव इसके ड्रेसेस होते हैं, सारे अनस्टिच होते हैं, क्या फायदा। अब ये क्या है, ये बहुत प्यारा है। ये ब्लैक कलर का ड्रेस है, ये आसिम जोफा का सबसे फेमस आर्टिकल है, तो इसको यार मेरे ख्याल से ओपन ना करो। ओपन ना करो इसको, आपको पता है इतने पीसेस हैं, एक मिनट देख तो लूं अनस्टिच है या स्टिच ही होने चाहिए यार, क्या बंदा। नहीं नहीं हाँ नहीं 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 मैं ना कैमरे में देख रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सही से दिख नहीं रहा। हाँ ये वेलवेट में है, नाइस। तो इसका पैच है गाइस, ये जो है ना ये भी मैं आप लोगों को एक दफा दिखाऊंगी, एक दफा दिखाऊंगी फिर भूल जाना गाइस। इसको रेडी करवा के जो है ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी ठीक है। तो बहुत प्यारा ड्रेस है ये भी, बट अनस्टिच है, मुझे थोड़ा सा हो गया यहाँ पे। ला मैं उधर रखू, इधर दे दो घिरना से। अब कौन सा गिफ्ट रहता है, ये हम सबका फेवरेट वाला जिसको सबकी नजर है। ओके तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या होगा। एक सेकंड, मैं पीछे बैठ बैठ के थक गई हूँ। हाँ ना सीजर किधर है। ओके मिल गई, अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बताओ जल्दी से इसमें क्या होगा यार, इसमें कोई ड्रेस होगा यार, मुझे लगता ड्रेस होगा। नहीं मुझे पता क्या लगता है, मुझे पता है। इसको पता है, इसमें है। वाओ ये लामा लो ने मुझे ईद मुबारक का कार्ड दिए, वाओ नाइस। माशाल्लाह
लाम वाला थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। फटाफट भेज दिया यार। यार अड्डी पड़ी यार, अगर भेजना ही था तो सही वाला कार्ड भेजते, थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ है। अब अगर तुम लोग व्लॉग देख रहे हो तो यार प्लीज इसको सही वाला कोई कार्ड भेजना अगली बार। आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते चलते हैं। चलो ये माना के उलझा हुआ जमाना, ये माना के मसरत है अब एक बहाना, मगर ईद हर रोज आती नहीं है, मनाए इसे हम बेहसने शहाना। तो मैंने कुछ भी समझ नहीं आई, तो कोई गल नहीं। चलो ओके ये पकड़ो। यार गर्मी आ गई है, वहां लेने के काम आएगा, छोड़। एक और पंपलेट भेजा इन्होंने, वो कह रहे इसमें पैसे डाल लो। अच्छा पैसे डाल के भेज देना भाई, तुम लोग ये देखो पैसे डाल के भेजने थे भाई तुम लोगों ने। अच्छा यार कोई बात नहीं, उसका जो है वो है कुछ भी लग रहा है। वो कह रहे हैं इसमें पैसे डाल के किसी को दे देना। क्या लग रहा है नहीं नहीं बेटा, घाघरा मैंने क्या कहा था, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद का कोई जोड़ा है। मैंने क्या कहा था, मैं बताती हूँ, नहीं नहीं मैं बताती हूँ आपको पूरी स्टोरी। हीरा राज कहेंगे ये मैं ईद पे इस ईद पे वेयर करूंगी, ठीक है, और ये कहेगी नहीं नहीं कहेगी स्टोरी लगेगी मैं थोड़ी गाइस बहुत बीमार हो गई हूँ, और आवाज चेंज हो जाएगी, ड्रिप दिखाएगी, हाँ और बीमार हो जाएगी। अल्लाह ना करे तुम लोग मेरे लिए दुआ करो। नहीं तुम हो जाती हो। नहीं तुम लोग मेरे लिए दुआ करो कि इस साल लाइफ को ओपन करें, तो फिर ठीक है। हाँ हाँ श्योर क्यों नहीं, चलो इसको ओपन करो। ये रेडीमेड है ना? हाँ ये रेडीमेड, मुझे लगता है लॉन्ग शॉर्ट और प्लाजो होगा। यार जो भी वाइब दे रहा पहन लेना। देखो मरियम बाहर कौन है, देखो नॉक हुआ कौन माशाल्लाह वाओ बहुत प्यारा जोड़ा है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत ड्रेस है यार, इसीलिए लास्ट पे खोलना चाह रही थी कि कुछ कुछ डिफरेंट है। हाँ मुझे लग रहा था इसका दुपट्टा, ओके ये इसकी शर्ट है, एक सेकंड, ये इसकी शर्ट है और ये इसका क्यूट सा दुपट्टा है, वाओ नाइस। ये भी साथ में बैग है, क्यूट सा बैग है, ये पर्स है, ओके पर्स है, पोटली पोटली है यार। ठीक है माना ड्रेस भी बहुत प्यारा है, हर चीज बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ जो सस्ती साड़ी लिख के भेजी थी ना कक समझ ली है। ठीक है कोई यार मेरे से ले लेते, यार इसका भी वैसे ही प्लाजो है, दो लाइन थी मेरे से ले लेते। मैंने कहा था ना लॉन्ग शर्ट और प्लाजो, इसका प्लाजो है। सो गाइस आप लोगों को मेरा ये गिफ्ट और बाकी सब गिफ्ट कैसे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। गाइज ये कोई ईद ही नहीं थी मेरी, ईद का गिफ्ट नहीं था, ईद के गिफ्ट अभी पेंडिंग है, वो भी आएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है ईद का गिफ्ट। तो माशाल्लाह मुझे ये ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी, अल्लाह ताला मुझे पहनना नसीब करे। और जिस किसी ने भी मुझे इतनी चाहत से भेजे हैं ये तोहफे, अल्लाह पाक उसे इतना 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 ज़्यादा दे, उसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और इतने ज़्यादा पैसे दे ताकि और गिफ्ट आ सके। और ज़्यादा पैसे आएंगे तो फिर गिफ्ट आएंगे ना, तो किसी को चाहत से दिया जाता ना यार, हम ना ऐसे तो नहीं कोई किसी को देता हूँ। अच्छा भेज लो ये।
गाइस आप लोगों ने मेरे गिफ्ट्स देखे और आज के व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेरा आज व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।